तो दोस्तों मेरे पापा भी यहाँ पे पत्ता ला के रखे हैं बकरे के लिए, तो हम लोगों ने डव को भी डाला। तो ये देखिए डव नीचे आके खा रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल मैंने फुल जूम कर दिया, मैं करीब नहीं जा रहा दोस्तों वरना ये उड़ जाएगी। थोड़ा सा करीब जाके देखता हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता जाके देखता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये उठाइए, आपको नज़र आ रहा हो इधर। मैंने दोस्तों इतना बड़ा पत्ता डाला था, अभी मैं जाके देखता हूँ कितना सा हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा। वहाँ पे भी पत्ता, यहाँ पे भी थोड़ा करीब, मैं पीछे हट जा रहा, अभी ये लोग खा लेंगे सब। मुझे मैंने पानी भी चेंज कर दिया और यहाँ पे दाना भी चेंज कर दिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और खैरियत होंगे। तो दोस्तों मौसम अभी बिल्कुल कुछ ऐसा हो चुका है, काले काले बादल हर तरफ से हमें घेर चुके हैं, ये देख सकते हैं। मुझे बस दोस्तों टेंशन हो रही है ऐसा ना हो कि तूफानी बारिश हो जाए, कुछ हमारा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि अभी डायमंड हब भी हम लोगों ने ला के यहाँ से रखा है, तो बारिश का तो उसका मसला नहीं। क्योंकि ऊपर यहाँ पे ये देखें, ये टीन डली हुई है, इसके नीचे है ये, और हमारी वहाँ पे चूज़ा वगैरह भी है, मुर्गा मुर्गी कबूतर है, ऐसा ना हो कि ज़्यादा बारिश हो जाए, क्योंकि मुर्गा मुर्गी का दरबा थोड़ा सा नीचे है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आजकल न्यूज़ वगैरह बता रहे हैं बहुत तेज तूफान आने के, तो ये डर लग रहा है कि ऐसे लोग तूफान आए तो हमें फाइव चूज़ों का दरबा वगैरह गिर जाए, तो चादर वगैरह हट जाए, कबूतर वगैरह ठंड लग जाए, तो ये बस टेंशन हो रही है। हम लोग बाहर निकले हुए, जहाँ के तूफान वगैरह आते हैं तो हम लोग भागते हुए अपने उस वाले घर में चले जाएंगे और वहाँ जाकर परिंदों को महफूज करके रखेंगे। दोस्तों अभी एक काम करना है कि ये टीन आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके ऊपर कोई लकड़ी रखनी होगी भारी चीज़ कि ये हवा से उड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि बता तो रहा है कि तूफान आएगा बहुत तेज पाकिस्तान की तरफ आज। बस मैं पहले टीन रखता हूँ, फिर बाकी काम करते, फिर हम चूज़े वहाँ प्लाट पे भी चलेंगे, वहाँ पे भी देखते हैं जो काम होगा, ढकना वगैरह होगा तो उसको भी ढक देंगे, चूज़ा वगैरह को। तूफान भी हमारे साथ खेल खेल रहा है, आपने परसों की वो न्यूज़ पे देखा था कि साइक्लोन जो है कराची में घुस चुका था, फिर कल रात को न्यूज़ वालों ने बताया कि साइक्लोन कराची से बाहर निकल चुका है, आज सुबह फिर पता लगा साइक्लोन के कराची में आ गए। तो तूफान जो ऐसा खेल खेल रहे, कभी जा रहा है कभी आ रहा है। अब हवा का अंदाज़ा लगा सकते हैं इस जगह से, ये देखिए कितनी तेज़ हवा चली है, और यहाँ पे ये टीन भी उड़ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, और कबूतर भी उड़ रहे हैं आसमान में। हमारे जो सामने वहाँ पे अंकल रहते हैं उनके भी कबूतर अभी गए मेरे नज़र के सामने से, और आगे टोलियाँ भी उड़ रही है उस तरफ। तो दोस्तों मेरा भी दिल चाह रहा है कबूतर उड़ाने का, तो क्या बोलते संचल है कबूतर उड़ाने। बूंदाबांदी भी शुरू हो गई देन बारिश, तो दोस्तों हल्की बहुत बारिश बूंदाबांदी शुरू हो गई, जंगली कबूतर भी। तो दोस्तों बस पहले सबसे ये देखिए दोस्तों मेरे ऊपर भी गिरा, हाँ हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहले यही काम करना होगा कि पहले यहाँ पे लकड़ी रख देता हूँ ताकि तेज हवा में उठ ना जाए, और वहाँ पे परिंदे को परिंदा गिला ना हो जाए हमारे डायमंड ऑफ। तो बस मैं ये काम करके बाकी अपडेट आपको देते रहूँगा। तो दोस्तों मैं आपको एक और अपडेट देते चलूँ कि मैं जो सुबह गया था तो सुबह अच्छा गया था, मौसम ठीक था, हमारी ऑरेंज वाली अचानक से बीमार हुई और बीमार होकर मर गई, तो मैंने उसे दफना दिया था सुबह। तो अभी हो रहा है कुछ 3 बजे का टाइम हो रहा है, अभी देखो मोबाइल में देख लो, मोबाइल में देख के बता रहा हूँ कितने बजे। दोस्तों अभी 3:40 हो चुके हैं, तो मौसम 4 बजे में वाला समझिए, तो आप मौसम देख सकते हैं, हल्की हल्की फवार भी पड़ना शुरू हो गई दोस्तों, तो मौसम काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है। वो देखिए वहाँ कबूतर भी दौड़ रहे, दो कैमरे में दिख रहे नहीं है। हाँ तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे फार्म में चूजा मर चुकी है, तो दयान आप पीछे देख सकते हैं मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, तो यानी लकड़ी रखेगा दयान, ये देखिए। और हमारे पौधे भी देखे दोस्तों कैसे खिलखिला रहे, एकदम एक तरीके से लग रहे हैं कि पौधे भी खुश हो गए, एकदम ऐसे ग्रीन ग्रीन लहराते हुए। ये देखिए दोस्तों कितने मजे से हिल रहे हैं लोग। बाकी अभी चलते हैं दोस्तों, आप फ्लैट में भी चल के देखते हैं, और अभी छत पे भी थोड़ा बहुत काम है तो मैं आपको दिखाते रहूँगा, ये सब काम जरूरी है, अगर बारिश हो गई तो हमारे जानवरों को नुकसान में चल जाएगा। यहाँ पे डायमंड को और वहाँ फ्लैट भी कुछ काम करेंगे ताकि हम लोग बकरा ला के इधर बांध दें या फिर दूसरे घर में रखते हैं अपने जो वो छत वाला घर था। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ ज़्यादा तेज प्रॉब्लम अगर होगा तो हम बकरा हमारा। तो दोस्तों आपको याद होगा कि एहसान गया था उस टैंकी में पानी भरने के लिए, जिसमें हमारा कौवा, हमारा कौवा नहीं जो चूजा ले गया था कौवा, वो डूब के मर गया था। जरा फिर तुम क्या दिखा रहे थे बताओ, अभी भी तैयार है मरने के लिए, वो देखो वो देख सकते हैं दोस्तों इधर इसकी गर्दन नजर आ रही है, यहाँ से नहीं नजर आ रही, चले गए। तुम बताओ तुम क्या कर रहे थे दोस्तों, राफे ने ये सब तोड़ा है इस वाले से, ये फूल सूख के यहाँ पे बन गया था ये सब। तो ये देखिए दोस्तों ये फटे हैं अंदर पानी में, थोड़ा देर लगता है लेकिन ये देखिए फटना शुरू हो गया, ये देखे इसे ये सब काम करने में बहुत मजा आता है। हमारी डायमंड डब भी मौसम को एंजॉय कर रही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो चुका है और दोनों डब हमारी ऊपर जाके बैठ चुकी है,
मैं आपको लाइट ऑन करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे बांध दिया था आपको, मैंने बता दिया, मैंने इसको पत्ता भी दे दिया, मैंने आपको वीडियो भी दिखा दिया। बाकी दोस्तों यहाँ से ये सब खुद ही निकाल के रख दिया, पता नहीं क्यों। सब चलते हैं वहाँ पे बाहर अपने सेटअप की तरफ। दोस्तों आपको एक बार बता दूँ कि हमारा जो मेल डायमंड है जिसके सर में निशान है, ये ऊपर सामने जो बैठा हुआ ये अपना, इसको मैंने आज देखा है, ये अपना ऐसे करके धूम को जैसे लिखा है कबूतर धूम कैसे होते हैं वैसे इसके भी धूम अपना खोल के अजीब तरीके से चिल्ला रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो कुत्ते के बच्चे या गधे हैं, ऐसे लग रहा है कि चिल्ला रहा है थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के साउंड में, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक बकरा खुला हुआ है, ये भी पत्ते ही खा रहे हैं। तो आपको याद होगा हम लोग क्रिकेट के नाइट मैच खेलते थे, बकरा यहाँ पर बंदा रहता था, तो अभी ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई, ऐसा लग रहा है एसी में हम लोग, तो अभी फटाफट चलते हैं वहाँ भी जाके देखते हैं कि परिंदों में क्या सूरत है। अगर तो उड़ा भी देंगे कबूतर, नहीं उड़ाएंगे नहीं, अभी ऐसा ना हवा से इधर उधर चले जाए, तो बस अभी चलते हैं पहले परिंदे को देख लेते हैं, जिसको ढकना हुआ ढक देंगे, फार्मी जो है रात में ढकने, क्योंकि वो लोग थोड़ी वो होती हैं नाजुक सी होती हैं, उन्हें ज़्यादा बारिश या ज़्यादा तेज़ हवा चले तो मरना शुरू हो जाती है, हमारी ऑरेंज वाली चूजा जैसे मर चुकी है। तो दोस्तों शान कह रहा है कि फार्मी चूजों को इधर इस जगह पर दफन कर दिया था, तो अंकल ने गेट खोल दिया, चलते हैं अब अपने मुर्गे लोगों को बंद करते हैं। वो पत्ता मेरे पापा ने इसको दे दिया था, पूरा सफा चेक कर लिए, अब मुर्गे को बंद कर देते हैं, ऐसा ना हो ये लोग बारिश में गीले हो जाएं और इन्हें भी ठंड लग जाए। तो पापा बकरे को पत्ता देने आए थे ना, फार्मी चूजा भी ढकी हुई है दोस्तों और ये भी ढका हुआ है, तो मुर्गा मुर्गी भी बंद करते, बाकी बकरा भी यहाँ पे है ज्यादा और थोड़ा सा इधर होगी इसके नीचे आ जाएगा, तो बाकी सबकी टेंशन नहीं है, यहाँ पे बंद करो। तो दोस्तों आपने सही ने तरफ देखा था, थोड़ा सा झुका हुआ था, तो रात में क्या हुआ है, काफी ज्यादा स्पीड से हवा चली है, तूफान तो खैर नहीं आया था लेकिन हवा चली थी धूल वाली हवा, तो आप देख सकते हैं इसका हाल क्या हो गया। बस मुझे लग रहा है कि ऐसे ना अब ये टूट जाए, अब ये टूट जाए, ये देखिए दोस्तों देखिए यू शेप, यहाँ से बहुत ज़्यादा पहले यहाँ था फिर जाके हल्का सा ऐसे मुड़ा हुआ था इस जगह पे, अभी ये बिल्कुल इस जगह से यूं हुआ है और ये जाके वहाँ गिर रहा है। तो बस दोस्तों हमारे अमरूद के दरख्त को कोई नुकसान ना पहुँचे, बाकी यहाँ पे तो मैं जो यहाँ पे हमारे अंकल जो रहते हैं इनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला कि ये खुद ही सेट हो जाएगा, अभी धूप लगेगी इसे तो ये खुद ही सीधा हो जाएगा। दोस्तों मुझे नहीं पता अब ये सीधा होता है कि नहीं, जो देखा जाएगा। तो आप क्या बोल रहे थे दोस्तों, सारे मुर्गा मुर्गी यहाँ पे दो मुर्गा मुर्गी यहाँ पे घूम रही है, दोनों देसी, और हमारी जो सिंधी मुर्गी थी वो कुड़ूक, अभी तक वो कुड़ूक खत्म नहीं हुआ, कुड़ूक पे बैठी हुई है। मैं पूछ रही राफे जाके दिखा दो राफे, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बैठी है, ये लोग सब मुझे आगे कर दिया, ये लोग सब मुझे यहाँ से आगे कर दिया क्योंकि काटता है मुर्गा। तो हम लोगों ने यहाँ पे बाहर खोल के खाना दिया था इसे, तो ये लोग यहीं पे बाहर ही, तुम इसे बंद करो मैं दिखा दे रहा कहाँ है। ये देखो तुमने दिखा दिया, आपको गिलहरी मेरे ख्याल से दिख रही होगी, हाँ ये देखिए दोस्तों ये धूम दिख रहा है आपको, रावे के पौधे गिरा रहा रावे, बाबा बाबा गिरी है, ये देखिए देखिए दोस्तों अरे गिरी गिरी, ये देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पे छलांग मार के गए अभी, और रावे देखिए कैसे हिला रहा अभी, तो मुझे मुझे अंदर चले गए, मौके का फायदा उठा के फटाफट इन्हें बंद कर देता हूँ, ताला लगा दो दोस्तों। ये हवा चेक करिए काफी तेज हो चुकी है, चादर हमारे बहुत उड़ रहा है, ये देखिए तो ये देखिए हमारे कबूतर भी झांक झांक के हमें देख रहे हैं मोटू। दोस्तों ये जो हमारा मोटू जो पाया पहना हुआ लकड़ी में, पूरे लकड़ी में ये आज के ना पिच्चू खाने दे रहे ना मोटू को, ओ सॉरी मैं पिच्चू खाने दे रहा लगा। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूं पसंद आई तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूं पसंद आई होगा, पसंद आई तो लाइक लाइक भी कर दिया और हमारे चैनल विलेज इन टाउन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह कल अब एक नए टॉपिक के साथ, अब एक नए वीडियो के साथ, ठीक है जी दोस्तों, अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों मौसम कुछ ऐसा हो गया, बारिश भी स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी, तो चलते हैं अब घर, और बाकी जो घर में भी देखते हैं डब कैसी है हमारी, यहाँ पे ये खा चुका है इसका पेट भरा हुआ है। जैसे ही मैं घर आया पूरे दीवार ब्लू ब्लू हो रही थी, जिसकी वजह ये थी कि हम लोग कब से इस जगह पे देख रहे थे काले काले बादल, इधर देख रहे थे अचानक ही दोस्तों ये क्या हुआ, यहाँ से पूरे बादल ही चले गए, बिल्कुल ब्लू ब्लू आसमान हो रहा है, और यहाँ पे तीन कबूतर भी उड़ रहे, यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल ब्लू ब्लू मौसम हो गया, आसमान बिल्कुल साफ हो गया, पता नहीं क्या हुआ था ज़रा से बारिश हुई, बिल्कुल इतना टेंशन ले लिया हम लोग, सब कुछ साइड करके आ गए, तो अभी दोबारा जाएंगे वापस जा सकता है वैसे ही कर लेंगे। तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि बादल बांग्लादेश में जाके बरसे हैं, हमारे साथ मजाक कर रहा था दोस्तों, बिना फजूल के हम लोगों ने इतनी तेजी में इतना सब कुछ कर लिया और इतने मेहनत से किया,
तो अल्लाह हाफिज।